नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज आप लोग अच्छे तो नहीं होंगे, जो डीलेड वाले होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट पे ध्यान लगाए होंगे, जो बीएड वाले होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट पे ध्यान लगाए होंगे कि आज क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों का खतरा है। दोनों का खतरा इसलिए है क्योंकि जो डीलेड किए हुए हैं, जो कम नंबर लाए हुए हैं 40, 50, 52, 53, उनका खतरा, यानी कि अगर बीएड इन होते हैं तो वो बहाली से बाहर हो जाएंगे। अगर बीएड बाहर होते हैं तो इनका सिलेक्शन पक्का है। ये थोड़ा सा डीलेड के साथ होगा, लेकिन हाँ, बीएड के जो कैंडिडेट आएंगे, अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, इन कर जाते हैं, तो 60 प्लस वाले ही बीएड कैंडिडेट का मौका मिलेगा, 60 से नीचे वाले का मौका नहीं मिलेगा। आप कहिएगा कि सरकार तो सबको दे रही, तो 60 से नीचे वाला का तो कट ऑफ आपका ऊपर चला जाएगा 10 नंबर से। जहां अभी 50-52 के आसपास कट ऑफ रहने की संभावना है, वहीं बीएड इन होने के बाद 60-62 के पास आसपास कट ऑफ रहने की संभावना आपको देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू कर दी गई है। कहा जा रहा है कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लिखित परीक्षा के रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यानी कि सारा का सारा डिपेंड आज पे है। अगर आज फैसला सुना दिया जाता है तो जल्द ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर आज डेट ले लिया जाता है तो समझिए बहाली पूरी तरह से फंस जाएगा। गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय के एक वायरल संशोधन आदेश में 10 अक्टूबर को रिजल्ट की संभावना जताई गई है। इस संभावित तिथि का जिक्र किया गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के हस्ताक्षर से जारी संशोधन आदेश में किया गया है। इसके मुताबिक इसके पहले 7 अक्टूबर को गया के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि स्थापना के कार्यालय से एक पत्र जारी हुआ था, जिनका ज्ञापन 939 है। उसके द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक अध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत कार्यालय में रिक्ति संबंधी कार्य हेतु 8 अक्टूबर को कर्मियों को उपस्थित होकर कार्य निष्पादन हेतु दिए गए आदेश में त्रुटिवश 10 अक्टूबर को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा परिणाम घोषित तिथि करने का निर्धारण किया जाना अंकित हो गया था। यानी कि विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था और उसमें कुछ त्रुटि बस 10 अक्टूबर लिखा गया था कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट प्रकाशित होगा, और ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर ये पत्र वायरल खूब होने लगा कि 10 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने फिर उसको संशोधन किया और कहा कि इसके मद्देनजर संशोधन आदेश में कहा गया कि वस्तुतः निकट भविष्य में परिणाम आने की संभावना के स्थान पर त्रुटिवश उक्त तिथि का अंकन हो गया है। यानी कि वहाँ पे लिखना चाहिए कि आपका आगे परिणाम आ भी सकता है, लेकिन वहाँ डेट करके एक कंफर्म कर दिया गया था, जो कि अब उसे संशोधन कर दिया गया है। संशोधन आदेश में यह भी कहा गया है कि अतः ज्ञापन संख्या 939 वाले पत्र में अंकित 10 अक्टूबर को बीपीएससी का परिणाम घोषित होने की निर्धारित तिथि के स्थान पर संभावित तिथि पढ़ा जाए। तो ये अपडेट हमने दी है। अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आपको बता दें कि 12 बजे तक आपका फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि 32 नंबर पे केस लिस्टेड है। तो आशा है कि आज सुनवाई हो जाएगी। अगर आज सुनवाई हो जाती है, फैसला आ जाता है, तो बहाली प्रक्रिया चालू हो जाएगा। अगर एक डेट ले लिया जाता है तो डेट समझिए कि नवंबर में जाके आपको मिलेगा, अक्टूबर में कोई डेट नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में दशहरा का छुट्टी है। छुट्टी रहने का कारण अगर नवंबर में मिलता है तो समझिए बहाली फेज टू की जो बहाली आने वाली है 6-8 की या 6-12 की, वो बहाली भी इसी पे प्रोसेस है। क्योंकि जब तक इसका 1 का रिजल्ट जारी नहीं हो सकता, 2 का आप नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो सारा का सारा फैसला इसी पे है। तो सारा का सारा अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उसके माध्यम से आपको अपडेट देता रहेंगे। तो जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं, ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, उस लिंक को हर एक जगह शेयर कर दीजिए, ताकि जितना लोग जुड़ सके और पल का अपडेट उनको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।